मेरा भाई आज ही 4,000 रुपए का मफलर लेकर आया मॉल से और 8,000 रुपए का स्वेटर मॉल से ब्रांडेड, 40,000 रुपए का नया ब्रांडेड फोन। भाई जो खुशी अपने लिए चीजें खरीदने में है ना, वो कहीं नहीं है भाई इस दुनिया के अंदर। अपने लिए चीज खरीदने में क्या खुशी मिलती है भाई, क्या बताओ तुझे। ये देख इधर को इसका यार बच्चे को। हाँ भाई मुझे भी दिख रहा है बच्चा है, तू फोन देख भाई का। किसने दिलवाई नी? चलो आपको गर्म कपड़े दिलवाए, आओ आ जाओ भाई। बेटा ठंडी तो नहीं लग रही? नहीं भैया, थैंक यू भैया मुझको नए गर्म कपड़े दिलवाने के लिए। मेरे को ठंड भी नहीं लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे क्या हो गया भाई, इतना परेशान क्यों लग रहा है भाई? यार टेंशन हो रखी है, छोड़ यार। क्या हो गया भाई, परसों तो इतना खुश था, नया फोन लेके आया था, नया मफलर, नई जैकेट, एक दिन में सारी खुशी उड़ गई तेरी। भाई परसों लेकर आया था ना, हाँ। तो 2 दिन पहले की बात हो गई, वो उसी फोन की खुशी मनाता रहा हूँ पूरी जिंदगी। गाड़ी खरीदनी है ना यार मुझे, जब तक गाड़ी नहीं आएगी ना मेरी, मैं खुशी नहीं मिलेगी मुझे। जो खुशी अपने लिए चीज खरीदने में है ना, और किसी चीज में वो खुशी। थैंक यू भैया, आपने मुझे नए कपड़े दिलवाए थे ना, अब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। वेलकम, आप ठीक हो बाप? हाँ जी भैया। अब आपको ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। बहुत बढ़िया। भाई तो इतना खुश कैसे रह लेता है यार? जो अपने लिए हमारी खुशी होती है ना, सिर्फ कुछ दिन की होती है। दूसरों को खुशी देके जो खुशी मिलती है ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। तू अपनी खुशी सिर्फ अपने अंदर ढूंढता है, सेल्फिश हो जाता है, सिर्फ अपने लिए जीता है, सिर्फ अपने लिए करता है, सिर्फ अपने लिए खरीदता है। कभी दूसरों को खुशी देके देख कितना अच्छा लगता है, कितना मजा आता है। भाई सही कह रहा है यार तू। यार इस बच्चे को खुश देख के ना मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ठंड बहुत पड़ रही है और अक्सर हमारे घर में नए पुराने कपड़े पड़े रहते हैं जिनको हम कभी पहनते नहीं हैं, कभी यूज नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उन कपड़ों को जरूरतमंदों को दीजिए, बच्चों को, बुजुर्गों को और ऐसे किन्हीं भी लोगों को जिनको गर्म कपड़ों की जरूरत है, ताकि वो ठंड से बच सकें और उन गर्म कपड़ों का सही तरीके से यूज हो सके। प्लीज अपने गर्म कपड़े डोनेट करें। थैंक यू सो मच।